हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मजमोर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ रेंटर फ्रेंडली आइटम्स जिसे आप बहुत ही आसानी से रेंट यानी किराए के घर में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कॉर्नर रैक। मुझे ये वाला कॉर्नर रैक इसलिए पसंद आया क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है, मतलब जो भी इसके पार्टीशंस हैं ये स्क्वायर है। नॉर्मली ट्रायंगल वाले होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रायंगल वाले में स्पेस का ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं किया जा सकता। वैसे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ रखना है, कितनी जगह है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अपने कॉर्नर का फुल यूज़ करना है और आपके पास उतनी स्पेस है तो आप स्क्वायर वाला ले सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप किचन में इसे कहाँ रख रहे हैं उसके हिसाब से आप इसमें सामान रख सकते हैं। कम जगह में हाइट वाइज स्टैक करने के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्वालिटी अच्छी है, मजबूत है। सबसे ऊपर मैंने काफ़ी हैवी डब्बा रखा हुआ है और ये बिल्कुल अच्छे से टिका हुआ है। नेक्स्ट है ये वायरलेस डोरबेल। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पर डोरबेल नहीं है, इनफैक्ट अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं, आपकी डोरबेल काम नहीं कर रही है, ख़राब हो गई है, तो उसे रिपेयर कराने की बजाय आप ये वाली बेल भी ले सकते हैं। तो इसमें जो आप एक हिस्सा देख रहे हैं इसे लगाना पड़ता है सॉकेट में और दूसरा वाला लगा सकते हैं डोर के बाहर यानी घर के बाहर। तो देख लेते हैं कि मशीन कैसे काम करती है। दो पार्ट्स में ये आती है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसे हमें लगाना पड़ता है सॉकेट में, तो जहाँ पर आपके घर में आपको लगता है कि आपको आवाज़ आनी चाहिए बेल की, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और जो दूसरा हिस्सा है इसे आप चिपका सकते हैं बाहर, डोर के बाहर। बाहर वाला जो ये यूनिट है ये बैटरी पर चलता है। इसमें अलग टाइप की बैटरी है, 23A बैटरी इसके ऊपर लिखा हुआ है, छोटे साइज़ की है। सबसे पहले अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस प्लास्टिक के स्टिकर को निकाल दें क्योंकि कनेक्शन कंप्लीट होने से रोकता है, और इसे निकालेंगे उसके बाद ही आपकी जो ये मशीन है ये काम करेगी। तो फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे बेडरूम के सॉकेट में, जैसे इसे ऑन करते हैं, रिमोट प्रेस करते हैं तो आवाज़ आती है। इस डोरबेल में लाइट भी है तो इसे नाइट लैम्प की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, और इसमें काफ़ी सारे अलग अलग आवाज़ के ऑप्शंस हैं, अपने मनपसंद को आप चूज़ कर सकते हैं। बटन से अपनी मनपसंद ट्यून सिलेक्ट करें, फिर वॉल्यूम बटन को 5 से 6 सेकंड तक दबाकर रखें। उसके बाद एक बार फिर से आप उस ट्यून को प्ले करें और इसके बाद जो आपने सिलेक्ट की है वो ट्यून सेट हो जाएगी। नेक्स्ट है ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर। इस तरह के ऑर्गेनाइजर हमने पहले भी काफ़ी देखे हैं। बास्केट वाले आते हैं तो जो कैबिनेट डोर्स होते हैं उन पे इन्हें लटकाया जा सकता है। ये वाला भी एक बहुत अच्छा आइटम है, अच्छा प्रोडक्ट है जिसे आप रेंटेड घर में यूज़ कर सकते हैं कैबिनेट के डोर्स पे। और इस वाले में हुक्स दिए गए हैं, ये बास्केट वाला नहीं है। वैसे आप बास्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जो कैबिनेट डोर्स है इसके अंदर आप चम्मच, कड़ची, मेजरिंग कप्स या फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लटका सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूजफुल प्रोडक्ट है जिसमें ड्रिल नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट ये हैंगर्स है जिन्हें किचन में या फिर बाथरूम में यूज़ किया जा सकता है। इसमें आप बर्तन तो लगा ही सकते हैं, मतलब कड़ची, चम्मच, पर साथ ही में झाड़ू, मॉप, ये सारी चीज़ें भी लगा सकते हैं। इस तरह का एक हैंगर हम ऑलरेडी हमारी ड्राई बालकनी में यूज़ करते हैं, पर वो स्क्रू से सिक्योर किया गया है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये स्टिक ऑन है, आपको इसके लिए ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरे हिसाब से नॉर्मल दीवार के मुकाबले ये टाइल पर या लैमिनेट पर ज़्यादा अच्छे से चिपकेगा। पीछे का स्टिकर निकाल कर आप इसे अपनी दीवार पर, टाइल पर चिपका सकते हैं, और जैसे कि कोई मॉप हो, झाड़ू हो, फिर वो मोटी हो या पतली, जस्ट प्रेस करें, इसमें अटक जाएगी और निकाल सकते हैं। तो इसे लगाना और निकालना बहुत ही आसान होता है। किचन में भी आप इसका इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं। जो भी थिकनेस है चीज़ की उसके हिसाब से ये एडजस्ट कर लेता है। अगला एक और टाइप का हुक है, ये भी किचन में यूज़ करने के हिसाब से अच्छा है। स्टिक ऑन है और किचन की जो टाइल्स होती है ऐसी टाइल्स पर जो चिपकाने वाली ये चीज़ें होती है बहुत अच्छे से चिपक जाती है, अच्छे से पकड़ इनकी बैठ जाती है। ये सेट ऑफ टू है,
इसमें जो आपको हैंगर्स मिल रहे हैं इन्हें आप दो तरीकों से लगा सकते हैं, या तो आप इन्हें हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लगा सकते हैं, सीधा लगा सकते हैं, या फिर आड़ी दीवार पर लगा सकते हैं। तो पहले तो आप इसे असेंबल कर लें, असेंबल करना बहुत आसान है। फिर आप इसे अपने कैबिनेट के नीचे चिपका सकते हैं या फिर टाइल के ऊपर चिपका सकते हैं सामने की तरफ। ये रोटेट भी होता है जिससे आप पीछे वाली चीज को काफी आसानी से इसे रोटेट करके यूज कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल जैसे आपकी स्पेस हो, जैसी जरूरत हो, इसे यूज किया जा सकता है। इसके लिए भी ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे रेंटेड अपार्टमेंट्स में ड्रिल करना अलाउड नहीं होता है, या फिर कुछ सिलेक्टेड चीज़ों के लिए ही ड्रिल अलाउड होती है। तो ऐसे टाइम पे इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जिन्हें केवल चिपकाना होता है। बस ध्यान रहे, सही सरफेस चूज़ करें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मजमूर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।